मुंबई की पांच खबरें सिर्फ मुंबई टीवी टॉप 5 बुलेटिन में। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अब्दुल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। सबसे पहली खबर वाशिम से है, जहां पर वाशिम में टीपू सुल्तान और औरंगजेब की फोटो लहराकर डांस करने वाले और कुछ लोगों को पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया है। जुलूस में ये तस्वीर लहराई जा रही थी, जिसको लेकर 8 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया। दूसरी खबर मुंबई में अंडों से जुड़ी हुई है, जहां पर अंडों की कीमतों में उबाल आ चुका है, यानी अब जो है सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं अंडों की कीमत ने। लगभग 90 रुपया दर्जन चल रहा है और देसी की कीमत तो आप सभी लोग सुन भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा हो गया है। तीसरी खबर मुंबई में मकर संक्रांति से जुड़ी हुई है, जहाँ पर रविवार की मकर संक्रांति में 64 पक्षी घायल हो गए। खुले में लोग पतंग तो उड़ाते हैं, लेकिन जानवरों का ख्याल नहीं रखते और इसी में जो पशु पक्षु है वो काफ़ी ज़्यादा इसका शिकार बन जाते हैं। और ऐसे ही 57 लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया है इलाज के बाद, वहीं अब 7 लोग घायल हैं। चौथी खबर मालवानी पुलिस स्टेशन से है, जहाँ पर मालवानी पुलिस स्टेशन ने 200 रुपये की नकली नोट छापने वाले पेंटर को गिरफ्तार किया है। इस पेंटर के पास से 60,000 रुपये की टोटल मालमत्ता जब्त की गई है नकली नोटों की। पांचवी खबर उर्फी जावेद से जुड़ी हुई है, जहां पर महाराष्ट्र महिला आयोग ने उर्फी जावेद को पुख्ता सुरक्षा देने की मांग की है और इस पुख्ता सुरक्षा मांग को लेकर उन्होंने लेटर लिखते हुए मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फंसालकर से काफ़ी ज़्यादा गुजारिश की है। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।